नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से ग्रामश्री किसान में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, विकसित बिहार के 7 निश्चय के बारे में। पहला निश्चय है आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा, हर घर बिजली। चौथा, हर घर नल का जल। पांचवा, घर तक पक्की गली नालियां। छठा, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और आखिरी है, अवसर बढ़े, आगे पढ़े। मैं इन सभी योजनाओं के बारे में आपको विस्तृत से एक एक करके वीडियोस के द्वारा बताऊंगी। पर आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है आर्थिक हल, युवाओं का बल। इसके अंदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ YouTube वीडियो के द्वारा। और आज हम जिस योजना की चर्चा करेंगे वह है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस योजना का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 2016 को किया था। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1,000 रुपये प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता योजना पूरे 2 वर्षों के लिए दी जाएगी। दोस्तों, योजना एवं विकास विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि युवाओं को लेकर इस योजना का उद्देश्य क्या है। यह है दोस्तों विगत 3 वर्षों की प्रगति जो आपको यहाँ पे चार्ट पर दिखाई जा रही है कि पिछले 3 वर्षों में इतने सारे एक बड़ी संख्या में इसके लाभार्थी हैं। 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। बिहार राज्य के निवासी जो भी 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं, वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हो एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर यानी 12वीं पास हो परंतु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, इस योजना में आवेदन हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है वह है 10वीं या इंटर की परीक्षा का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड, किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से एक चालू बैंक खाता। तो दोस्तों, काफी सिंपल साधारण प्रक्रिया है इस योजना में आवेदन की। अब इस योजना को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, उसके पास स्वरोजगार नहीं होना चाहिए, आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए, आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा हिंदी या अंग्रेजी एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब मुफ्त में दिया जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया काफी सिंपल है। जो आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रहा है, आप इस वेबसाइट पर जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट की आप फोटो खींच ले या इसको कहीं नोट कर ले। सबसे पहले आवेदक को लॉगिन करना होगा, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर के जरिए उन्हें लॉगिन करना होगा। जब वो सबमिट करेंगे तो एक वन टाइम पासवर्ड उन्हें मिलेगा। तो इस वन टाइम पासवर्ड को पोर्टल में डालना होगा और अपना सारा व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें देना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद आवेदक को एक यूनिक पंजीकरण संख्या मिलेगी,
वो उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेजी जाएगी। आवेदक के साथ किसी भी प्रकार का कागजात ऑनलाइन संकलन नहीं किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक पीडीएफ कॉपी मिलेगी, जिसे काउंटर पर जाने के समय वांछित आवश्यक कागजातों का भी उल्लेख होगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा आवेदक को केंद्र पर आने हेतु तिथि एवं समय की सूचना ईमेल और एसएमएस द्वारा भेज दी जाएगी। यद्यपि आवेदक अपनी सुविधा अनुसार भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को आवेदक अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे। दोस्तों, आवेदन की पीडीएफ पर स्व हस्ताक्षर के उपरांत अपना एवं सह आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे और सारे कागजातों को सेल्फ रजिस्टर कर सेल्फ अटेस्ट करेंगे, स्वयं हस्ताक्षर करेंगे और उसकी फोटोकॉपी जमा करेंगे। आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केंद्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केंद्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नंबर आने की प्रतीक्षा करेंगे और आवेदक को उपलब्ध कराए गए टोकन नंबर का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर होगा। अपना क्रमांक आने पर आवेदक सारे प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी और सारे आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना क्रमांक आने पर आवेदक सारे प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और सारे जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लेकर निर्धारित काउंटर पर जाएंगे। मूल प्रमाण पत्र की स्कैनिंग होगी और उसके बाद वो उन्हें वापस कर दिए जाएंगे और सारे फोटोकॉपी को और स्व हस्ताक्षरित कागजातों को काउंटर पर ही जमा कर लिया जाएगा। कागजातों का वेरिफिकेशन होगा, उनका सत्यापन होगा और उसके बाद काउंटर पर ही आवेदक को एक रसीद भी दी जाएगी। आवेदक को किसी प्रकार के गलत प्रविष्टि का संशोधन, अगर कोई भी गलत एंट्री हो गई है आवेदक से, तो उसी समय एमपीए द्वारा किया जाएगा, मल्टीपर्पस असिस्टेंट द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आवेदन की प्रक्रिया को हमने एक एक स्टेप में आपको पूरी डिटेल से बताई है, तो उम्मीद है कि आपको इस योजना का लाभ उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है युवाओं के लिए, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का। दोस्तों, शीघ्र ही डाउनलोड करें ग्रामश्री किसान ऐप और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। याद रहे कि आपका सुझाव और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर टिप्पणी करें। और यदि आपको लगता है कि इस स्कीम या इस वीडियो से किसी अन्य समुदाय को लाभ मिल सकता है या किसी अन्य व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद।